उदाहरण 11, 6 और 54 का मध्य अनुपाती पता करें। हल, माना 6 और 54 का मध्य अनुपाती 6 है तो 6:x समान अनुपात 6:54। हम जानते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनखंड होता है, इसीलिए इसे हम लिख सकते हैं x×x जो कि हमारे मध्य पद है, और बाह्य पद जो है 6×54। इसको हम लिख सकते हैं x×x बराबर x^2 बराबर 6×54 सूचित करता चिन्ह। x^2 बराबर 6, 54 को हम लिख सकते हैं 6×54 या x^2 बराबर 6×6×3×3 या x बराबर वर्गमूल 6×6×3×3 या इसे हम लिखेंगे x बराबर इसका 6 और 6 का एक जोड़ा बना तो 6 वर्गमूल से बाहर निकलेगा, और 3 और 3 का एक जोड़ा बना तो 3 वर्गमूल से बाहर निकलेगा, या x बराबर 6×3=18। तो अतः हमें प्राप्त हुआ x=18, अतः 18x और 54, 6 और 54 का मध्य अनुपाती है। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ कि 6 और 54 का मध्य अनुपाती 18 है, यह इस प्रश्न का हल होगा। उदाहरण 12, 8xy और 4x^2y का तृतीय अनुपाती पता करें। हल, माना m 8xy और 4x^2y का तृतीय अनुपाती है तो 8xy अनुपात 4x^2y समान अनुपात m, यहां पे m 8xy और 4x^2y का तृतीय अनुपाती है, ये पहला अनुपात, दूसरा और ये तृतीय अनुपात, तो m हमारा तृतीय अनुपाती है। अब इसे हल करने के लिए हम इसे और
दूसरे रूप में लिख सकते हैं 8xy, क्योंकि ये मध्य अनुपाती है तो हम इसे लिखेंगे अनुपात 4x2y समान अनुपात 4x2y, ये पुनः हम लिखेंगे अनुपात m। इसे और हम लिख सकते हैं बराबर सूचितकर्ता चिन्ह 8xy बटा 4x2y समान अनुपात के जगह में हम बराबर लिखेंगे, बराबर 4x2y बटा m। अब इसे आगे हल करने के लिए हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 8xy गुणा m बराबर 4x2y गुणा 4x2y, या इसे हम और लिख सकते हैं m बराबर, क्योंकि हमको तृतीयानुपाती ज्ञात करना है m का मान, तो हम लिखेंगे 4x2y गुणा 4x2y और ये 8xy ये आपका बटा पक्षांतर होके 8xy हो जाएगा। यह हम इसे लिख सकते हैं m बराबर 4 एकम 4, 4 दुनी 8, 2 एकम 2, 2 दुनी 4, और उसी तरह से यहाँ पे x और y ऊपर से कट जाएगा x और y, तो यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है 2x2 और 1x मिला के x3 बना रहा है, और यहाँ पे 1y कट चुका है, 1y यहाँ बचेगा। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ m का मान जो है हमारा 2x3y है, m का मान m बराबर 2x3y, अतः तृतीय अनुपात दिए गए प्रश्न का तृतीय अनुपात 2x3y है, यह इस प्रश्न का हल होगा।